मछली को अच्छा से धो लेते हैं, बहुत अच्छा तरह जितना अच्छे से तरीके से धोएंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। इसको मछली को अच्छे से साफ कर लेते हैं। इसमें अब हम लोग नमक और हल्दी ऐड करते हैं। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। आप लोग अगर चाहे तो लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं छानने से पहले। देखते हैं तेल पूरा गर्म हो गया अच्छी तरीके से। अब इसमें मछली को छोड़ते हैं। चेक करते हैं, देखते हैं एक साइड पक गया है कि नहीं, तो लाते हैं अब इसको। अच्छी तरीके से पक गया है, एकदम लाल करके पकाने से ग्रेवी में जब डालते हैं तो टूटता नहीं है, क्रिस्पी बनेगा, खाने में भी मज़ा आएगा। फिर हम थोड़ा लाल करके भूनते हैं। तो मछली का रेसिपी के लिए हम लोग ये कुछ लिए हैं मसाले से बनाएंगे पीस के। ये पोस्तू है, ये पीला सरसों है, इधर कुछ लहसुन की कलियां हैं, थोड़ा सा अदरक प्याज और मिर्च है, इसका पेस्ट बनाएंगे। फ्राई हो रहा है तब तक हम लोग मसाला रेडी कर लेते हैं। एक चम्मच जीरा पाउडर डालते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ये मार्केट में मिल जाता है इडली मछली झोल मसाला, ये थोड़ा डालते हैं, टेस्ट अच्छा आएगा। और ये गरम मसाला पाउडर, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और ये सारा मसाला को मिला मिक्स कर देते हैं अच्छी तरीके से। बचे हुए तेल पे उसी में टमाटर को डाल दिए हैं और कुछ तेज पत्ता, थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर अच्छे से जल्दी गल जाए। इसमें धनिया पत्ता का जो डंठल है उसको ऐड करते हैं तो अच्छा टेस्ट आता है इसको। अब सारा मसाला को डाल देते हैं। अच्छे से इसको भूज लेते हैं। थोड़ा हल्दी ऐड कर देते हैं। मसालों को तब तक भूनते रहना जब तक इससे तेल ना छोड़ दे। हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं, अगर लटक रहा चिपक रहा है तो। हम पानी ऐड करते हैं, आपको जैसा ग्रेवी चाहिए उस टाइप जैसा पानी डालिए आप, जितना क्वांटिटी में आपको ग्रेवी चाहिए। ग्रेवी को अच्छे से खोलने देते हैं, उसके बाद मछली को छोड़ेंगे।
और ये भी अच्छे से खोल गया है। अब इसमें मछली के पीसेस को डालते हैं। देसी रुई का मछली है, एकदम ताज़ा, बिना बर्फ वाला। बर्फ वाला उतना टेस्ट नहीं लगता है, पर ये ताज़ा है रुई का मछली। थोड़ा सा खोलने देते हैं, फिर इसको उतार देंगे। के पत्ती तोड़ लेते हैं बगीचा से ताजा। तोड़ लिए, इसको अच्छे से धो लेते हैं। जी फाइनली हो गया मछली का सब्जी। अब इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल देते हैं। अगर रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग भी कभी ट्राई कीजिए रेसिपी को, कैसा लगे कमेंट करके बताइए। बाय।